कि गोपियों ने भगवान को सहज में कैसे प्राप्त कर लिया। राजन, भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है यह महत्वपूर्ण होता। निणाम निश्रेय सार्था या व्यक्तिर भगवतो नृप। अच्छा ये बताओ, उस शिशुपाल ने भगवान को पाया, यद्यपि उसका भाव शत्रुवत था। अरे भगवान के प्रति कोई कैसा भी भाव रखे, रावण का संहार किया, भगवान ने कंस का, भगवान ने जितने भी दुष्ट हैं सभी का संहार किया, भगवान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि भगवान का चिंतन किसने किस भाव से किया है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम एक्यम स्रोहितमेव च नित्यम हरो विदधो यान्ति तन्मय ताहि। राजन, भगवान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने भगवान को किस भाव से भजा है, परंतु भगवान के लिए केवल ये महत्वपूर्ण है कि आपने भगवान को कितना भजा है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, भगवान का भजन तो चाहे आप कामना विशेष से करो, किसी भी भाव से भगवान को आप चाहे कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से आप भगवान का भजन करो, उनसे कुछ याचना करने की कि मुझे भगवान की भक्ति से ये प्राप्त हो जाएगा, चाहे उसी भाव से भजो, कोई विषय नहीं। कामम क्रोधम, चाहे क्रोध से भगवान को भजो। शिशुपाल ने क्रोध से ही तो भजा, रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, सबने भगवान को क्रोध से, परंतु उनके क्रोध में निमित्त कौन था? उनके प्रतिक्षण क्रोध में वैर में भगवान निमित्त थे, भगवान का चिंतन उनके हृदय में था, इसलिए भगवान ने उन पर कृपा की, भगवान ने अपने स्वयं हाथों से उनका संहार किया और अपना वैकुंठ धाम प्रदान किया। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, और स्नेह से जो भगवान का भजन करे तो उसे तो भगवान प्राप्त होते ही हैं। श्रोहितमेव च, अरे समस्त यदिवंशियों का भगवान में कोई भगवत तत्व को लेकर भाव नहीं था, इन ब्रजवासियों का भगवान में कोई ब्रह्म का भाव नहीं बल्कि श्रोहित का भाव, कि ये श्याम सुंदर, ये कृष्णचंद्र हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, इस भाव से उन ब्रजवासियों ने भगवान को भजा तो उन ब्रजवासियों की महिमा अनंत हो गई। बस महत्वपूर्ण यही है राजन कि भगवान का भजन कौन किस भाव से करता है, कितना करता है। अनेक प्रकार है भगवान के भजन करने। अरे जब ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का जिन्होंने निरंतर भगवान से वैर भाव रखा, कंस ने निरंतर भगवान को कृष्ण को काला कह के हैं कितने, परंतु उस कंस के चिंतन में कौन बना रहा निरंतर, भगवान ही तो। उसका ध्यान उठते बैठते जागते सोते खाते पीते निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्म नरका द्युज्य रहाम्यहम्। ये भगवान के नाम का ही प्रभाव है कि व्यक्ति किसी भी नरक में पड़ा हो भगवान उसे वहां से निकाल लेते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना भजन किया। तो राजन, कामम क्रोधम भयम स्नेहम श्रोहितमेव च, उन दुष्टों को, उन राक्षसों को जब भगवान प्राप्त हो सकते हैं शत्रु भाव से, वैर भाव से,
तो उन गोपांगनाओं ने तो नित्य प्रति निरंतर केवल उस श्याम सुंदर का चिंतन किया है, भजन किया है, तो उन्हें प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं।